स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे चार से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है या चार से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है। हिंदी में बोलेंगे विभाजिता की संख्या, मतलब विभाजित चार से जो होगी कौन कौन सी संख्या है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर, या इसको डिविजिबिलिटी भी बोलते हैं कि फोर से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, यानी पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसको सीखेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं कि हमने कुछ नंबर यहाँ पे रखा है, 4, 6, 8 मान लीजिए, 3, 1, 2, 8, 5, 6, 3, 2। तो इसका रूल क्या है कि हम लोग देखते हैं कि लास्ट अगर कितना भी बड़ा डिजिट हो तो लास्ट दो नंबर, ये लास्ट दो नंबर जो है 68 या इसमें भी देखिए 28, लास्ट दो नंबर अगर फोर से कट जाता है, ठीक है, तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा, ठीक। इसका यही मेन रूल है, अगर लास्ट दो नंबर जो है फोर से कट जाता है तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा फोर से। देखिए 68 को लेके चलते हैं, 68 को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग फोर से, तो 4 1 4, 2 5 8, 4 7 8, कट गया, तो ये नंबर भी कट जाएगा। हम डिवाइड करके इसको भी देख लेते हैं, 4, 6, 8, 4, 1 जा 4, 6, 4, 1 जा 4, 4, एक बार में जाएगा, 2 बचेगा, फिर 28, 8 उतरा तो 28 हो गया, 4, 7 जा 28, ठीक है, तो ये नंबर भी पूरा से पूरा कट गया। अब देखिए इसको भी आप देख सकते हैं, 28, ये 28 जो है ये 4 से कट जाएगा, तो अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए एक बार, चार सते 28, 11 में से 8 गया 3, फिर यहाँ 2 तारे 4 अठे 32, फिर कट गया 8 तारे 4 दुना 8 भी कट गया, तो पूरा कट गया। इसका मतलब कोई भी नंबर जो है ये अगर लास्ट दो नंबर कट जाता है तो पूरा नंबर कितना भी बड़ा डिजिट हो ये फोर से कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा कि आज फोर से कोई भी नंबर कैसे कटेगा, ये आपने आज सीखा। अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे।